तू कल स्कूल क्यों नहीं आया था? पता है कितना मजा आया था स्कूल में? नेहा है ना, उसका बर्थडे था तो उसने पूरी क्लास में चॉकलेट बांटी थी और मैम ने तो क्लास में गेम्स भी खिलाए थे। सच में? कौन सी मैम ने? अरे मैथ्स वाली चंद्रकला मैम। अरे यार उन्हीं की वजह से तो मैं कल स्कूल नहीं आया था, उनका मैंने होमवर्क नहीं किया था पूरा। बड़ा चंटे तू, सुबह मैम को तो बोल रहा था कि मैम मेरी यूनिफॉर्म गीली थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, सॉरी। तो अब कुछ तो एक्सक्यूज देना पड़ेगा ना। मैं ये थोड़ी कहूंगा मैम मैंने ना आपको होमवर्क नहीं किया इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। हाँ ये भी है, लेकिन तुझे आना चाहिए था यार, पता है कितना मजा आया था। और वो शिखा नहीं है जिसने तेरा स्पार्कलिंग वाला पेन चुराया था? वो बैटरी नहीं है उसके बैग से ना लंच चोरी कर रही थी, मैम ने देख लिया और पनिशमेंट भी दे दी। अब देखियो कल पेरेंट्स को बुला कर लाएंगे, बड़ा मजा आएगा मुझे तो। यही प्रॉब्लम है यार, जब मैं स्कूल नहीं आता ना तभी ये सब कुछ होता है। साइंस वाली मैम ने तो बाहर धूप में बिठा के पढ़ाया था, और पढ़ाया तो क्या ही था, पूरे टाइम वो मूंगफलियां खाती रही थी और बच्चे अपना आराम से चिल मार रहे थे। हाँ तो एक काम करते हैं, हम क्लास में चलते हैं, आज भी साइंस वाली मैम को बोलेंगे कि हमें धूप में बिठा दे। अच्छा जरा नजर घुमाइयो अपनी, कहाँ है धूप बता। तो यार पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा बेटा तो आज भी होमवर्क करके नहीं आया होगा? नहीं यार। हाँ बहुत बढ़िया, अब बस अपना ये जो घिसा पिटा बहाना है ना यूनिफॉर्म वाला ये मत मार दियो क्लास में। मैथ वाले मैम को ना कल शिखा ने भी यही बहाना मारा था, इतना डांटा था ना मैम ने, तो कुछ और सोच ले। सच में? तो मैं ना बोलूंगा कि मैं शादी में गया था। हाँ ये ठीक है, अब चल वरना मैम ने क्लास में घुसने भी नहीं देंगे अगर लेट हो गए। अच्छा ओके राइट द क्वेश्चन। The comparison can be done by using. बोलना। तू बोलना। अरे प्लीज तू बोल देना, तुझे पता है मैं होमवर्क करके नहीं लाया। तो मैं क्या करूँ इसमें? तेरी गलती है ना। तू बोल देना, तू इतना नहीं कर सकती क्या? मैं नहीं कर सकती, चल। फ्रेंड है तू मेरी। बस जब कुछ नहीं हुआ तो अपना विक्टिम कार्ड खेलियो। दोस्त नहीं है, नहीं हूँ मैं तेरी दोस्त, चल जाया से। जब जरूरत पड़ती है तो फ्रेंड याद आती है। मैं नहीं बोल रही। मत बोल, मैं खुद देख लूंगा। क्या चल रहा है वहाँ? क्या पुसर पुसर हो रही है? और दीपांशु कल कहाँ थे तुम? हर दूसरे दिन तुम छुट्टी मार लेते हो। पास हो जाओगे इस बार या नहीं? हाँ मैम पास तो आराम से हो जाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। हाँ कैसे बेटा, बबली से चीटिंग करके या फर्रे बना के? फर्रे? मैम वो क्या होता है? हाँ 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 बेटा आपको कैसे पता होगा फर्रे क्या होता है, आप तो बड़े ही शरीफ सीधे सादे से बच्चे हो, है ना? होमवर्क किया है तुमने? मैम मैं गो टू टॉयलेट प्लीज। ये देखो क्लास स्टार्ट हुई नहीं कि टॉयलेट जा रहे हैं। लंच में क्या कर रही थी? हाँ मैम लंच में तो खाना खा रही थी, लेकिन अभी ना पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज से, प्लीज जाने दो। नो एक्सक्यूज, सब समझ आता है मुझे तुम लोगों के ड्रामे। होमवर्क नहीं किया होगा ना इसलिए बहाने कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ, कोई वॉशरूम नहीं जाना। अभी तो नहीं बैठ पाऊंगी, प्लीज जाने दीजिए, अर्जेंट है। तू क्यों ओवर एक्टिंग कर रही है? तू तो होमवर्क करके लाई है ना। चुप कर, ओवर एक्टिंग नहीं कर रही मैं, सच में मेरे पेट में दर्द हो रहा है पागल हुई का। मैम जाने दो प्लीज, सच में बहुत पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है टॉयलेट जाना है ना तुम्हें, तो एक काम करो अपनी नोटबुक यहाँ रखो और जाओ। ओके मैम। तुम्हारे तो नहीं हो रहा ना पेट में दर्द, चलो होमवर्क निकालो या तुम ही जाना है वॉशरूम। मैम वो ना मैं कल शादी में गया था इस वजह से होमवर्क नहीं कर पाया। ये लो एग्जाम सर पर है और तुम्हें शादियों की पड़ी है। हाँ तो मैम स्कूल वालों की गलती है ना, शादियों के सीजन में एग्जाम रख देते हैं, अब हम बच्चे बेचारे क्या करें। मैम आपने एक काम करो, अगली बार से ना एग्जाम गर्मियों की छुट्टी में रखना, तो हम आराम से कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा एक काम करते हैं, तुम्हें ना स्कूल का सीईओ बना देते हैं, उसके बाद तुम्हें डिसाइड कर लेना कि कब एग्जाम करने हैं कब नहीं करने हैं कब छुट्टियां रखनी है ना, कितने उच्च विचार है तुम्हारे। थैंक यू मैम। शट अप और बाहर जाके खड़े हो जाओ, कल होमवर्क मिल जाना चाहिए मुझे वरना वापस भेज दूंगी घर पे।
क्या ही है यार ये मैम जी, एक तो आधे दिन स्कूल में पढ़ो, उसके बाद घर पे जाओ, घर से होमवर्क करके लाओ, आधा टाइम स्कूल में मिलना चाहिए ना होमवर्क करने का। ये एग्जाम भी जानबूझ के शादी के सीजन में रखती होंगी मैम। वो बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स रखने हैं तो कब की डेट्स निकालूं? हाँ। ये बताओ कि सबसे ज्यादा शादियां कब है? मैम इस बार तो जनवरी 15 टू जनवरी 30 तक शादियां ही शादियां हैं। कूल, तो एक काम करो, एग्जाम्स ना जनवरी 15 टू 30 के बीच में रख दो। बट मैम वेडिंग्स होंगी, बच्चे बिजी होंगे, टाइम कहाँ मिलेगा उन्हें पढ़ने का? यही तो चैलेंज है, सबसे बिजी टाइम में एग्जाम रखो, बिल्कुल टाइम नहीं मिलना चाहिए नालायकों को पढ़ने का। और हाँ, फाइनल एग्जाम में ना होली के नेक्स्ट डे एग्जाम रखना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को पढ़ने का, मतलब होली के जस्ट नेक्स्ट डे। ओके मैम, गॉट इट। और मैम एग्जाम्स के बीच में गैप कितना रख दूं? गैप लंबा रखो, एग्जाम का प्रेशर ना थोड़े ज्यादा दिनों तक रहना चाहिए बच्चों के सर पे, रिलीफ ना मिल जाए उन्हें जल्दी। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। कितने जल्लाद है यार ये टीचर, और ये बबली कहाँ चली गई, वो स्वरूप में आखिर कर क्या रही है ये? मैम तो पढ़ा रही है, मैं ही देख के आता हूँ। ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है मेरे? वो ये ब्लीडिंग, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे बाहर भी नहीं जा सकती, क्या करूं? ओए स्वेता, तू वॉशरूम में बैठ के कौन सी कहानी लिख रही है? जल्दी चलना, मैं पनिशमेंट में अकेला खड़ा हूँ। दीपांशु, ये मुझे ना ब्लीडिंग हो रही है, मैं बाहर नहीं आ सकती। क्या गिर गई थी क्या तू कहीं पर? गेट खोल, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं दिखा सकती, तू ना एक काम कर, मैम को बुला कर लेकर आ, और जल्दी बुला के लाइयो। अच्छा चल ठीक है, तो रुक मैं बुला कर लाता हूँ। मैम जल्दी से आप वॉशरूम चलिए, श्वेता को पता नहीं क्या हो गया, शायद वो गिर गई, उसको चोट लग गई। देखिए ना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। डोंट वरी श्वेता, तुम्हें पीरियड्स हुए हैं एंड आई थिंक इट्स योर फर्स्ट पीरियड, इसीलिए तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है। पीरियड्स? अच्छा तुम रुको, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ नो नो मैम, आप मत जाओ, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है और मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द पहले मुझे कभी हुआ नहीं। ओके जस्ट गिव मी वन मिनट, मैं कुछ करती हूँ। दीपांशु ये लो, मेरी लॉकर की की है, मेरे लॉकर के ड्रॉर में ना एक पिंक कलर का पैकेट होगा, उसे लेकर आओ एंड फास्ट। आ ओके मैम, मैं लेकर आता हूँ। मैम हाँ, ये लीजिए पैड्स। गुड, थैंक्स। तुम्हें किसी ने पीरियड्स के बारे में नहीं बताया? नो मैम, वो मैं अपने डैड के साथ रहती हूँ ना, तो कोई फीमेल नहीं है मेरी फैमिली में बताने के लिए। इट्स ओके, घबराओ मत, ये हर लड़की को होता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैम मेरे पास ना चॉकलेट केक है, श्वेता तुम वो खा लो, इससे ना तुम्हें क्रैम्प्स में रिलीज मिलेगा। अरे वाह, और तुम्हें ये सब किसने बताया? वो मैम मेरी सिस्टर को जब भी पीरियड्स होते हैं ना, तो फिर मम्मी मुझसे ही चॉकलेट मंगवाती है बहन के लिए। वेरी गुड बबली, तुम खा लो, इससे तुम रिलैक्स फील होगा। और दीपांशु, हो सके तो बबली को आज घर तक छोड़कर आना, ठीक है? शी इज लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। और वैसे तो तुम बहुत बदमाश हो, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम्हें पीरियड्स की नॉलेज है। यस मैम, वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ।